हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम बी स्टूडेंट्स आज का जो मेरा वीडियो है उन स्पेशल एस्पिरेंट्स के लिए है जो पीएफआरडीए ग्रेड ए 2022 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं हमें पता है वैकेंसीज़ की बात करें तो कम है इसलिए जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो यूजुअली कम रहती है पर एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है सेबी की तरह जो सीरियस एस्पिरेंट हैं सेबी की तैयारी कर रहे हैं और पी भी एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं उनको एक फिफ्टी डेज़ का स्टडी प्लान देने

आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सात अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तो मैं आपसे कहूंगा अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जाकर अप्लाई कर दीजिए एग्जामिनेशन डेट्स की बात करें तो ना ही फेस वन और फेस टू के एग्जाम की अभी डेट अनाउंस हुई हैं जैसे ही अनाउंस हो जाती हैं स्टूडेंट्स आपको अपनी वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर देंगे स्टडी प्लान देखने से पहले एक बारी हम एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं अगर हम फेस वन की बात करें तो यहाँ पर पेपर वन और पेपर टू कंडक्ट कराया जाता है जहाँ पर पेपर वन में आपका क्यू और जनरल अवेयरनेस को चेक किया जाता है और पेपर टू में अगर आप जनरल स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एम पूछे जाते हैं ऑन कॉमर्स अकाउंटेंसी मैनेजमेंट फाइनेंस कॉस्टिंग कंपनी इकोनॉमीज एंड पेंशन सेक्टर उसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें या फिर अदर फील्ड्स की बात करें तो उन जैसे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसका ड्यूरेशन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन है फेज़ टू एग्जामिनेशन में भी आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और जनरल स्ट्रीम से है तो वही सब सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे जो आपसे फेज वन में पूछे गए थे स्टूडेंट्स फॉर योर ईज एंड कन्वीनियंस वी हैव क्रिएटेड फिफ्टी डे स्टडी प्लान फॉर यू यहाँ पर फेज़ वन और फेज टू दोनों के ही टॉपिक्स हमने मेंशन किए हैं फॉर एग्जांपल अगर हम पेपर वन फेस वन टॉपिक की बात करें तो मैंने यहाँ पर वीक वाइज टॉपिक आपको असाइन किए हैं चाहे वो आपका क्वांट हो रीजनिंग हो इंग्लिश हो या जनरल अवेयरनेस हो उसी तरीके से आप यहाँ पर जो कॉमन टॉपिक होते हैं पेपर वन और पेपर टू के फेस वन फेस टू या फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वो भी मैंने यहाँ पर असाइन किए हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वीक वन में आपको इकनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के ये दो टॉपिक तैयार करने हैं और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपको एस राइटिंग प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स इस फिफ्टी डे स्टडी प्लान का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं मैंने ये पूरा नाइन वीक का स्टडी प्लान आप लोगों के लिए क्रिएट किया है कि आप इसे समझें और इसे पढ़कर अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें मैं उदाहरण के तौर पर आपको वीक टू का भी बता देता हूँ जैसे वीक टू में मैंने क्वांट में सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टाइम दिया है रीजनिंग में कोडिंग एंड डी कोडिंग डाटा सफिशेंसी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए इसलिए मैंने इनका वेटेज ज़्यादा दिया है उसी तरीके से पेपर टू की बात करें जो फेज़ वन और फेज़ टू में कॉमन है वहाँ पर मैंने अकाउंट्स और जैसे एक एस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो जैसे टॉपिक को रखा है इसी तरीके से आप कंप्लीट स्टडी प्लान डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन से जाकर आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कि किस तरीके से आपको इसे तो अप्रोच करना है स्टूडेंट्स पी एफ आर डी ए जैसे एग्जामिनेशन में आपको एक्सपर्ट फैकल्टी की जरूरत पड़ती है अगर आप डेडिकेटली कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो डेमो कोर्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है यहां पर मैंने आपको बताया कि मिस प्राची अग्रवाल आपका ई सेमिनार लेने वाली हैं, तो एक चीज आपको वो ध्यान रखनी है कि उसके लिए अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो वो रजिस्टर कर सकते हैं मिस्टर सुशील रगाड़े हैं जो एक्स मैनेजर आर रह चुके हैं और वो आपको ई एस आई फिनशियल जैसे टॉपिक्स के बारे में रेगुलरली गाइडेंस देते हैं वी हैव चंद्र प्रकाश जोशी शिखा मनोत्रा तुषार शाह अमित परी एंड वेरियस अदर फैकल्टीज़ जहाँ पर आपकी डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती है एंड आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है देखो हम अगर जर्नलिस्ट की वैकेंसीज की बात करें तो इस बार पंद्रह वैकेंसीज हैं और पिछली बार आपको मालूम होगा सिर्फ पाँच वैकेंसीज रिलीज हुई थी तो तीन गुना ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज हुई हैं और मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था उसी तरीके से फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें तो टू वैकेंसीज हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वन राजभाषा में वन रिसर्च में वन एंड लीगल में दो वैकेंसीज हैं जो भी स्टूडेंट्स सेबी

टू फाइव एट वन यानी टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे सारी कैटेगरीज़ को मिला के एस सी एस टी ओ बी सी डब्ल्यू एस वहाँ पर पच्चीस सौ लोगों ने सिर्फ अप्लाई किया था पाँच वैकेंसीज के अगेंस्ट स्टूडेंट जहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं पर अगर हमें इसमें रेशो में बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाँच वैकेंसीज के अगेंस्ट दो हज़ार 581 लोगों ने ही अप्लाई किया था बाकी स्ट्रीम्स का भी देख सकते हैं एक्चुरियल में 33 लोगों ने अप्लाई किया और 18 का फेस वन क्लियर हो गया था फिनेंस एंड अकाउंट्स में 270 लोगों ने अप्लाई किया और 180 का फेस वन क्लियर हो गया था उसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी तीन लोगों ने अप्लाई किया था और वन लोगों का क्लियर हो गया था बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टेबल का आप स्क्रीनशॉट लें और समझने की कोशिश करें कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस क्यों कम आती हैं अगर मैं बात करूं कि लेस वैकेंसीज तो हैं बट वाई शुड यू डेफिनेटली अप्लाई सबसे पहली बात इट्स अ गुड गवर्नमेंट जॉब विद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर्स इन आवर कंट्री विद गुड पे पे की बात करूं तो उन्होंने नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया है कि एक लाख चालीस हज़ार पर मंथ जो है आपकी सैलरी होगी इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी बेनिफिट हैं जो उन्होंने मेंशन किए हैं जैसे अदर बेनिफिट्स की बात करूं तो लीव केयर कंसेशन मेडिकल एक्सपेंसेस पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको ब्रीफ केस का पैसा मिलेगा आपको कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स का रिफंड मिलेगा क्लीनिंग अलाउंस मिलेगा स्टाफ फर्निशिंग स्कीम तो बहुत सारे अलाउंस एंड बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे स्टूडेंट्स क्वालिफिकेशन अलाउंस भी यहाँ पर है आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन अगर आप कोई हायर क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने अलाउंस भी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं पूरा स्लैब दे रखा है एक्चुरील में 80,000 पर मंथ अगर आपने पास किया तो इस हिसाब से उन्होंने पूरा स्लैब दे रखा है जो आप ध्यान से पढ़ें नोटिफिकेशन में और पोस्टिंग देखो पोस्टिंग आपकी महानगरों में होगी यानी आपके बड़े बड़े शहर जैसे न्यू दिल्ली मुंबई और रीजनल ऑफिस बहुत कम चांसेस हैं कि रीजनल ऑफिस में डाला जाए मुंबई में अभी नया ऑफिस इस्टेब्लिश हो रहा है पी एफ आर डी ए का तो मैक्सिमम चांसेज हैं कि वहीं के लिए आपको रिक्रूट किया जाए दूसरा रीज़न है विथ पी एफ आर डी ए प्रिपरेशन यू कैन एम फॉर टू एग्जामिनेशन यानी आपको तैयारी एक की करनी है और आपके एम में या आपके बैग में दो एग्ज़ामिनेशन आ जाते हैं पहला पी एफ आर डी ए दूसरा आपका सेबी वाला राइट आपको पता है कि सेबी 2023 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है टेंटेटिव डेट्स हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सेबी और पीएफआरडीए की क्वालिफिकेशन भी सेम है और अगर मैं सिलेबस या पैटर्न की बात करूं तो वो भी बिल्कुल सेम है तो रीज़न नंबर टू जो है इसको अप्लाई करने का वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर सेबी के लिए टारगेट कर रहे हैं पी उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राइट आप सिलेबस को एग्जैक्टली exactly मैच कर सकते हैं आपको पता है पेपर वन और पेपर टू एग्जैक्टली सेम है अगर मैं सेबी और पी की बात करूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया था वो उनके लिए ये जो पंद्रह वैकेंसीज़ रिलीज हुई हैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्लीज़ गो एंड टैप दिस अपॉर्चुनिटी सी इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सेबी ग्रेड ए 2023 नोटिफिकेशन देन पी एफ आर डी ए इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू जो ये पंद्रह वैकेंसीज रिलीज हुई है आपको कॉम्पिटिशन समझने का मौका जो मिल रहा है इसको हाथ से नहीं जाने देना है मैं अगर टेंटेटिव डेट्स की बात करूँ सेबी की तो फेस वन एग्जामिनेशन आपका ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी या ट्वेंटी नाइन्थ जनवरी को होने वाला है और उसी तरीके से जो आपका फेस टू एग्ज़ामिनेशन है वो फेब में होगा एग्जैक्टली exactly एक महीने बाद राइट right. तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और दोनों का जो आपको चांस मिल रहा है पी और सेबी में अप्लाई करने का उनको अप्लाई ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स हमने 100 डेज लाइव क्लास शेड्यूल भी बनाया है जहां हम डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं स्पेशली फॉर सेबी एज वेल एज पी एफ आर डी ए ये हमारा जो क्लास प्लान था वो फाइव सेप्टेम्बर से शुरू हो गया था अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे अभी भी ज्वाइन करा सकते हैं क्योंकि जो हमारी सारी लाइव क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स हमारे अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफ़र स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और जो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज़, इसका पूरी तरीके से फ़ायदा आप उठा सकते हैं अगर आप एक से भी एस्पिरेंट हैं और सीरियस तैयारी के साथ एक जो गोल्डन जॉब है वो पाने का सपना पूरा कर सकते हैं तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही था थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी